Assalamualaikum students, starting with the great name of Allah. I hope that you and your family are safe and healthy. I am your mathematics teacher. So start the first unit of your mathematics books, which is the matrices and determinant. Now open the page number 2. First we study the introduction. The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer science. The idea of matrices was given by Arthur Callais, an English mathematician of 19th century, who first developed the theory of matrices in 1858 mein sabse pehle matrix ki theory pesh ki gayi. Matrix, a rectangular array or a formation of collection of real number. Real number collection say 0 1 2 3 such as 1 3 4 7 2 2 0. Then we arrange values in rows and columns within bracket, we say it matrix. Simple words में जब हम लोग values को row और columns में arrange करते हैं within bracket bracket के अंदर, तो उसको हम लोग matrix कहते हैं. Matrix में जो horizontal values होती हैं उनको rows बोली जाती हैं. First row, जैसे कि आपके last वाले topic 1.11 में आपको दिखाई दी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. एज इट इज़, जब इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम लोग वर्टिकली प्रेजेंट करें, वर्टिकली लिखें, तो उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं. एज यू सी एट पेज नंबर 3, जैसे कि आप पेज नंबर 3 पे देख सकते हैं, C1, C2 एंड C3. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब हमें यह तो पता चल गया मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स को ब्रैकेट्स के अंदर रेंज को मैट्रिक्स कहते हैं. लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इट्स मीन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मौजूद होते हैं. टू रोज टू कॉलम्स, टू रोज थ्री कॉलम, थ्री रोज टू कॉलम्स. ये इसमें हम लोग फर्स्ट जो लिखते हैं रोज लिखते हैं या कॉलम, इनमें फर्स्टली हम लोग रोज लिखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कॉलम लिखते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है 1 2 3 1 0 2, इसमें टू रोज और थ्री कॉलम्स हैं, तो इस ऑर्डर को हम लिखेंगे 2 by 3. इट्स मीन इसमें टू रोज और थ्री कॉलम्स हैं. एक और बात, हम लोग जब ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. लेकिन अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स होता है, A to Z तक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3. थर्ड टॉपिक इज इक्वल मैट्रिसेस. इक्वल मैट्रिसेस मीन जिसमें रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी इक्वल हो, रोज और कॉलम्स इक्वल हो. जैसे कि आपकी बुक्स में इसकी एग्जांपल्स गिवन है. नाउ ओपन द पेज नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1. Find the order of the following matrices. A, A में कितनी रोज मौजूद हैं? 2. And columns कितने हैं? 2. It's mean 2 by 2. And next one also 2 by 2. And third one में कितनी columns और कितनी रोज मौजूद हैं? 3 रोज हैं, जिनमें first row में 4, second row में 0, third row में 6 digit है, और इसमें कॉलम 1 है. इट्स मीन इसका ऑर्डर होगा 3 by 1. अब मैट्रिक्स ई है, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. एज मैट्रिक्स जी, मैट्रिक्स जी में 3 रोज और 3 कॉलम्स मौजूद हैं. एज इट इज़, नेक्स्ट वन इज एच, विच हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following matrices are equal? कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है? मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए कि रोज़ और कॉलम्स की क्वांटिटी, उनकी
काउंटिंग इक्वल हो, इस मीन मैट्रिक्स ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉरी वन रो वन कॉलम, इस मीन ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन बी में वन रो टू कॉलम्स मौजूद है, इस मीन जो थ्री और फाइव है ये फर्स्ट रो में मौजूद है और इसके कॉलम टू बन रहे हैं। ए यू सी थ्री और फाइव फर्स्ट रो और टू कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम में थ्री एलिमेंट है और सेकंड कॉलम में फाइव एलिमेंट्स, इस मीन दोनों में वन वन डिजिट मौजूद है, इसमें फर्स्ट रो और टू कॉलम्स है, इसका ऑर्डर बन जाएगा फर्स्ट बाय टू, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज सी, सी में भी बी मैट्रिक्स की तरह वन रो टू कॉलम्स मौजूद है, सो इट इज़ नॉट इक्वल एंड अदर पार्ट्स यू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, अदर पार्ट्स आप खुद कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। नंबर फर्स्ट हमारे पास मौजूद है ए प्लस सी ए प्लस टू बी फर्स्ट रो, सी माइनस वन फोर डी माइनस सिक्स सेकेंड रो, ये मैट्रिक्स इक्वल है ज़ीरो माइनस सेवन फर्स्ट रो थ्री टू डी सेकेंड रो। ओके अब हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कि ए प्लस सी फर्स्ट इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, ये इक्वल के राइट साइड पे मौजूद मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इट्स मीन ए प्लस सी इक्वल है ज़ीरो के, ए प्लस टू बी इक्वल है माइनस सेवन के, सी माइनस वन थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू थ्री थर्ड एलिमेंट ऑन राइट साइड एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू फोर एलिमेंट ऑफ राइट साइड। नाउ वी गिवन इट्स नेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस सी इक्वल ज़ीरो, ए प्लस टू बी इक्वल माइनस सेवन, सी माइनस वन इक्वल थ्री, फोर डी माइनस सिक्स इक्वल टू डी। नाउ इन प्रीवियस क्लास एट्थ क्लास में आप लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स लर्न किए हैं सीखे हैं, यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करेंगे। इसमें देखेंगे इन फोर इक्वेशन में सबसे पहली बहुत ही सिंपल इक्वेशन है जिसमें जस्ट फर्स्ट किसी भी एक अल्फ़ाबेट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो इसमें है थ्री, थ्री में आप देखें सी माइनस वन इक्वल थ्री, इट्स मीन सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन राइट साइड पे आएगा, तो इट्स मीन सी इज इक्वल टू फोर, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है सी इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ से सी की वैल्यू हम लोग पुट डाउन करेंगे इक्वेशन वन में, यहाँ पे ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन प्लस सी इस साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आके राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू जो कि हम लोगों ने इक्वेशन थ्री से फाइंड आउट की थी वो पुट करेंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर, यहाँ पे जब सी की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू फोर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस फोर, सी का ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि हमारे पास फोर, सी इज़ फोर एंड ए इज माइनस फोर। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं इसलिए अब बी की वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया माइनस फोर, जो कि हम लोग इस इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे माइनस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये पुट डाउन किए, यहाँ पे फोर माइनस हो रहा है जो राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस फोर माइनस सेवन इक्वल माइनस थ्री, बी के साथ टू का मल्टीप्लाई हो रहा है टू, तो राइट साइड पे आके ये इक्वल के इस साइड पे आके राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, सो बी इज माइनस थ्री बाय टू, बी की वैल्यू के हम लोगों ने गेन किया माइनस थ्री बाय टू। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज डी, अब हम लोग डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
4D minus 6 is equal to 2D. इट्स मीन ये 2D लेफ्ट साइड पे जाएगा, 4D में से 2D को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2D, 6 लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा था, इस साइड राइट साइड पे आकर ये प्लस हो गया। नाउ 2D हम लोगों ने D फाइंड आउट करना है, 2 को इसके साथ से रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब 6 को डिवाइड करेगा तो इट्स आंसर इज D इज इक्वल टू 3। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4।